प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के द्वारा तड़वा महंत में की गई बैठक भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। श्रावस्ती के विकास खंड इकोना इलाके के ग्राम पंचायत तड़वा महंत में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बैठक का आयोजन बीती शाम प्रभारी प्रत्याशी इंजीनियर अलीम खान की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जिसमें प्रभारी प्रत्याशी ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनके मार्गदर्शन में 290 विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती प्रभारी प्रत्याशी द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। उन सभी को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराते हुए समाज में व्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, घूसखोरी पर प्रकाश डाला गया और पार्टी के नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की गई। किसानों को चढ़ा दी गाड़ी से, कई मर गए, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए उन्हें। लेकिन बाकी जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने क्या किया? राजनीति की रोटी सेकी। योगी जी ने कहा जितने बड़े नेता हैं सबको हाउस अरेस्ट कर दो। सबने कहा हमारी राजनीति आसान हो गई, अब हम घर में ही अरेस्ट हैं, मीडिया को दिखा देंगे भाई हमको योगी जी ने अरेस्ट कर लिया था, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इन सब से मैं आपकी ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रहा हूं, हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव की तरफ, जो अपने घर की पीछे की दीवार फांद के और निकल पड़े कि लखीमपुर जाएंगे, वहां धरना देंगे। 25 किलोमीटर दूर उनको रोक लिया गया क्योंकि 5000 की भीड़ जा रही थी उनके साथ। तो हमारा नेता ऐसे चाहिए, हमारा नेता वो नहीं चाहिए जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे राजनीति कर रहा हो कि हम इसका विरोध करते हैं, हमने फेसबुक पे लिख दिया। तो उस नेता के हाथ मजबूत करने के लिए आपको प्रत्याशी को चुनना होगा कि कौन प्रत्याशी है उस लेवल का। आपके बीच कई प्रत्याशी आए होंगे, आपकी नजर में है, आपको उनमें से चूज करना है कि कौन आपके हक की बात करेगा, कौन वहां तक ले जाएगा। 5 साल अभी सरकार थी, विपक्ष में तो सपा थी ना। विपक्ष का क्या काम होता है? विपक्ष का काम होता है, हमारा कानून देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, जब मन चाहे 5 साल बाद सर बदल दिया जिसको चाहे। तो हर एक बीच पार्टी में खलबली रहती कि अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। लेकिन इसमें अपोजिशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपोजिशन ने 5 साल में क्या किया? क्या कोई जेल गया? क्या बनारसी इतने कानून आए? क्या कोई विद्रोह किसी ने उसको अपोज किया? बल्कि लखनऊ में घंटाघर में जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी तो अखिलेश जी की बेटी वहां पहुंच गई, उसकी फोटो अगले दिन मीडिया में आ गई। तो अखिलेश जी ने बयान दिया कि वो गलती से चली गई। अरे आप यहां राजनीति कर लेते थोड़ी कि हमारी बेटी महिलाओं के सम्मान में गई थी। लेकिन नहीं, वो एक कमेटी का वोट तो ले रहे हैं लेकिन उसको सामने बोलने से डर रहे हैं। किसान बिल में भी कोई खास अपोज नहीं किया अपोजिशन ने। यही अगर कोई किसान नेता होता, राकेश टिकैत को देखिए दिल्ली में पड़े हुए हैं, लाठी खा रहे हैं, कुछ भी है। अगर यूपी में ऐसा किसान नेता जैसे शिवपाल सिंह यादव जी ये जमीन पे उतरे हैं, इन्होंने सरकार से लड़ाई लड़ी, लेकिन अपोजिशन ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई जेल जाए, भाई 4-5 दिन जेल में बैठे हूं। तो हमको अपना नेता चुनना है कि नेता कैसा हो। किसी को भैया को कुछ कहना चाह रहे हैं?
आपको देखना है कि हमारा नेता कौन है और किसको चुनना है, वरना 5 साल अभी हम लोग दबे कुचले थे, सब किसान हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सब दबे। 5 साल दूसरी सरकार आएगी हमारी वोट पे, वो भी दबेगी, दबाएगी। तो कोशिश करके आप लोग हमें, हमारा सहयोग कीजिए, भारी मतों से जिताएं, ताकि हम धर्म की राजनीति ना करके विकास की राजनीति कर पाए। और यहां मौजूद सभी युवाओं से मेरी दरखास्त है कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, और बुजुर्गों से